मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। क्या समस्याएं हैं आप लोग की? शांति से घबरा नहीं, चढ़ा लो, मांगे पूरी चढ़ा लो, मांस आराम से बोला लो यार, सबका शांत रहो, सब लोग शांति से, हाँ शांति शांति। क्या आप लोग की मांगे हैं, जो भी समस्याएं हैं आप लोग विस्तार से बताइएगा, अपना परिचय दीजिएगा, आप क्या मांगे बताइएगा। इस समय जो है हम एक बार फिर इको गार्डन में आपदा मित्र एकता मंच जो यहाँ पे आए हैं महाराजगंज से और अन्य जिलों से भी आए हुए हैं, जो जिनकी जो अपनी मांगे हैं प्राधिकरण का कर्मचारी घोषित करने को लेकर इसके लिए आए हैं। हम आज बात करेंगे इनकी क्या समस्याएं हैं और किन किन मांगों को लेकर के यहाँ पे आए हैं और अपने प्रशासन से बात हुई है नहीं हुई है, सारी बातें इन्हीं से जानेंगे। जी बताइए, अपने परिचय दीजिएगा। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं आपदा मित्र कैंपेगंज जिला गोरखपुर से हूँ, हाँ। जो मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, हाँ। और हम लोग का आपदा प्रशिक्षण 2018 मई में शुरू हुआ था, जो अब तक यह प्रशिक्षण पूरा करके 5 वर्ष बीत गए, जिससे कुंभकर्णी सरकार अभी तक जगी नहीं, जिसके दौरान 13 दिसंबर 2013 को एक आपदा मित्र कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के दौरान ड्यूटी करके आते समय एक्सीडेंट में मारा गया, जिसकी मृत्यु तिथि थी 13/12/2019। उसके बाद हमने जिले स्तर पर ज्ञापन दिया, ADM विथ फाइनेंस को भी हमने ज्ञापन दिया, उसके मेडिकल रिपोर्ट को भी हमने दिखाया, मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा उन्होंने, हम उसको भी दिए, लेकिन सरकार और शासन के तरफ से उसके परिवार को कोई भी आर्थिक मुआवजा नहीं प्रदान की गई, जो सबसे दयनीय स्थिति है। और हम लोगों से हर समय जिले से हमारे सभी आपदा मित्रों को हमेशा बराबर हर त्यौहार पे, छठ पे, दिवाली, दशहरा, सब जगह निशुल्क सेवा ली जा रही है और ड्यूटी लगाई जा रही है। ये बताएं हमें सरकार, हमारी ये हमसे सॉरी सरकार से हमारी ये मांग है कि कब तक हम लोग निःशुल्क कार्य करेंगे? अगर करते हैं तो सरकार हमें क्या दे रही है? जब हमें हमारी सुरक्षा ही नहीं प्रदान कर पा रही है तो हम कब तक क्या करेंगे? हम लोगों के भी परिवार हैं, हम लोग निःशुल्क काम कैसे करेंगे? एक चीज़ ये बताइएगा कि ये आप लोग एजेंसी के माध्यम से भर्ती हुए हैं या संविदा पे भर्ती हुए हैं? आप लोग की भर्ती कैसे हुई है और किसके अंतर्गत आती है? हमारी लोग की जो भर्ती है वो गृह मंत्रालय द्वारा है, ये जो है अमित शाह के द्वारा चलाई गई थी, माननीय अमित शाह के द्वारा, कि जो है हम लोगों को प्रशिक्षण कराया गया नून नगर भदरसा में, वहाँ पे प्रशासनिक भवन में हम लोगों को अच्छे से हर एक चीज़ के बारे में बताया गया, जागरूक कराया गया कि बाढ़ आपदा के समय हम कैसे बचें, प्राकृतिक आपदा आने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसके ज्ञापन देके विज्ञापन निकलती है इसकी। जी सर, तो इसके ये सब दिया जाएगा। उसके बाद में ये भी कहा गया कि आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं राजस्व मानदेय वगैरह क्या मिलता है? कुछ नहीं मिल रहा है अभी, जो है हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। इसमें जो है हमें लोग को आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को महीना वाइज जो है 18,000 रुपये महीने किया जाएगा, 2,00,000 रुपये बीमा जो है दिया जाएगा, 5,00,000 रुपये बीमा का दिया जाएगा, मगर उससे कोई अभी तक कोई पालन नहीं हो पा रहा है। सरकार हम लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो नहीं समझ रही है पूरी तरह, जैसा कि हम अभी बताए हैं भाई साहब कि कोई भी योजना कोई भी हो, हम लोगों को यही मांग है कि राजस्व विभाग के अंतर्गत हमारे सभी आपदा मित्रों को तहसील के अंतर्गत उनको कहीं ना कहीं जो है चयनित किया जाए। धन्यवाद। तो अभी आप लोग क्या प्रशासन के पास गए हैं इसके लिए? अभी लोग आप लोग अपने अपने जिलों में प्रशासन के पास आपने अपनी मांग रखी है अभी तक? हम लोग उप जिला अधिकारी SDM महोदय को दिया है, ज्ञापन दिया है, हम लोग तहसील में सभागार में मीटिंग भी किया, मगर उससे कोई अभी तक जो है हमें रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए खाली हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी मांग जो आप मांग कर रहे हैं वो आपकी पूरी हो जाएगी। कब पूरी होगी हम यही आपसे जानना चाहते हैं, हमारी माननीय हम योगी आदित्यनाथ जी से यही हम जानना चाहते हैं कि हम लोगों का परेशानी और ये जो घटनाएँ घट रही हैं इसका जिम्मेदारी कौन ले रहा है? कि हम लोग आए दिन बाढ़ पीड़ित, अगले साल में जब बाढ़ भी आई तो हम लोगों को निःशुल्क जो है हम लोग अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में, अपने ब्लॉक में हम लोगों ने पूर्णतः अपनी हिसाब से मेहनत किया, मगर उसका कोई हम लोगों को अनुदान नहीं मिला। खाली हमें एक चीज़ मिलता है, आश्वासन आपको मिलेगा, आप धैर्य बनाए रखें। कब तक हम लोग धैर्य बनाए रखेंगे? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भी अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, आप लोग का ही हुआ था, उसके बारे में आपको कोई जानकारी? हमें कोई जानकारी नहीं है।
जी कोई जानकारी नहीं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के भी नहीं, नहीं उसमें हमें कोई जानकारी नहीं दी जाती है और तहसील के अंतर्गत भी कोई जानकारी हम लोगों को नहीं दिया जाता है। बस केवल ड्यूटी, खाली ड्यूटी आप करिए, केवल ड्यूटी, बेरोजगारी, लोग इसमें बहुत परेशान हैं। यहाँ पे आप लोग आए हैं तो क्या क्या उम्मीद लेके आए हैं आप लोग? प्रदर्शन आपका एक दिवसीय है या आगे भी चलेगा, इसके बारे में बताएंगे? सरकार के समक्ष अपनी परेशानियों को व्यक्त करने आए हैं कि सरकार हमारी परेशानियों को देखे। जो अंधी बन के बैठी है वो हमारी परेशानियों को, हमारे दुख दर्द को पूरी तरह वो भी महसूस करे कि हम। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन आज सौंपेंगे जो है पूरी तरह, जो इसीलिए हम लोग इको गार्डन में आज धरना के लिए प्रदर्शित हुए हैं। जी सर, मैं आपदा में त्रिभुवन नाथ तहसील कंपेंग गोरखपुर जिले से हूँ, गृह जनपद से। मैं मेरे आपदा मित्र द्वारा 6 साल से 5 साल से काम किया जा रहा है, 1 रुपया कहीं नहीं। मेरे आपदा मित्रों के पास परिवार नहीं है, सरकार को दिख नहीं रहा है कि मेरे आपदा मित्र मर जा रहा है, कोई प्रशासन प्रशासन देखने तक नहीं जा रहा है। इसका क्या मतलब है सरकार का? सरकार को ये इसको तत्काल जानकारी, इसको किसी 6 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, 1 रुपया हम लोग को कोई पैसा नहीं मिला है। और हमारे जो कमांडर थे सर, और बाकी आपदा मित्र कमांडर थे जिला श्रावस्ती 15वां बैच के, उनका आकस्मिक घटना हो गया और सारे लोगों को ज्ञात है कि वो आकस्मिक घटना घटी कैसे, कैसे हुआ, कैसे उनका मृत्यु हुआ, मगर उस पे आज तक कोई टीका टिप्पणी नहीं उठाया गया है। ना ही उनके परिवार में उनके 2 बच्चे हैं, ना कोई गार्जियन है, 2 बच्चे 1 औरत, किस तरह वो अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि लोगों को इस तरह ऐसा जागरूक किया जाए कि उनकी परेशानियों को समझा जाए। बस हमारी सरकार से यही निवेदन है और यही आग्रह करके हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सर मेरा नाम विजय बहादुर निषाद हूँ, मैं आपदा मित्र में भर्ती हुआ हूँ। मैं 15 साल से सेवा कर रहा हूँ, 15 साल से 45 लोगों का जान बचाया हूँ। एक किताब में भी लिख रहा है, देख लीजिए, एक किताब में लिख रहा है, देख लीजिए। हाँ, इसके बाद डीएम साहब पत्र भी दिए हैं, डीएम साहब भी पत्र दिए हैं, इसके बाद कोनो कार्रवाई नहीं हुआ। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित किए हैं, विधायक संगीता बलवंत जी भी सम्मानित किए हैं, बल्कि कुछ भी निधि नहीं मिलते। हम हजारों को लाश निकाल चुके हैं। अच्छा, हाँ, 100-200 तक जीते बचा है, कोई मानदेय नहीं मिलता आपदा मित्र को। ऐसे ही निःशुल्क सेवा करते हैं, 12-12 बार हम वीडियो भी रखे हैं मोबाइल में निकालते हुए, कुछ भी नहीं मिलता है। क्या होगी आप लोगों की जाए, आप लोगों की समस्त जिलों में, यूपी में जिलों में कितनी संख्या होगी? 10,200 संख्या है हमारे सभी आपदा मित्रों की, संख्या 10,200 है। सरकार का सर लक्ष्य है लगभग 2 लाख करने का पूरे प्रदेश। सरकार का जो लक्ष्य है वो 2 लाख करने का है, मगर जब 10,002 को जो है पूर्णतया वो संबंध यानी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो 2 लाखों को कैसे दे पाएंगे, हम ये जानना चाहते हैं, हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं। जब आप लोग की भर्ती हुई होगी तो उस समय कोई आपसे कुछ साइन या कुछ कराया होगा, एग्रीमेंट होगा, जो भी कुछ? कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, नहीं हुआ। हम लोग केवल सर बताइए, हमें ये सर ही बताया गया, आई कार्ड जो है एक प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र हमें दिया गया जो है, और उसके बारे में हमें कोई, हम ये जानना चाहते हैं कि एक एक बच्चे के पीछे जब गवर्नमेंट 30,000 रुपये खर्च किया है तो किस लिए खर्च किया है उसने? गवर्नमेंट का पैसा इतना फालतू है कि एक बच्चे के पीछे 30,000 खर्च करके और उसको बेरोजगार घर पे बैठा दिया जाए, उसकी कोई समस्या ना सुनी जाए, उसकी परेशानियों को ना देखी जाए, तो हम कैसे क्या करें? 25 किलोमीटर की दूरी पे कोई और पेट्रोल, कोई खर्चा नहीं दिया जाता है। हम अपने पेट्रोल से जाते हैं, हम अपने मेहनत करके जाते हैं, हम यहाँ भी आए हैं अपने खर्चे से आए हैं, खाली सरकार से अपनी मांगों को लेकर। जब आप लोग कुछ मिल नहीं रहा तो आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? आश्वासन दिया जाता है। सर जैसे जो आपदा मित्र कैंपियरगंज का मरा था, इसकी नई नई शादी हुई थी, 3 दिन बाद उसका डेथ हो गया और उस प्रशासन को, जिला प्रशासन को बताने के बाद भी कोई भी प्रशासनिक अफसर उसके घर सांत्वना देने भी नहीं गया था, जो आपके सामने यहाँ प्रमाण मौजूद है पेपर के माध्यम से भी। कार्तिक पूर्णिमा के समय ड्यूटी लगाया गया था। तो आप यहाँ प्रशासन से आपकी कुछ बात हुई है विज्ञापन देने के संबंध में? जी सर जी, हमारे प्रदेश नेतृत्वकर्ता के द्वारा बात हुआ है, जो है हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी जी जी, ठीक, अच्छी बात, इसको कवरेज कर लीजिए।
कोई भी बंदा नहीं आया है और हम यहाँ पे इतनी परेशानी में आए, इतने दूर दूर से आए, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे सबके। सर बताइए, सरकार ने हमें आश्वासन दिया तो हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्या सोच करके आप लोग इसमें भर्ती हुई थी? सर ये कहा गया था कि 12 दिवसीय ये आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, इसके बाद आपको प्रिस्ट्रेशन के बाद आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी और आपको मतलब मानदेय मिलेगा, तो इसी की सोचकर हम आए थे। अभी तक कोई भी मानदेय नहीं मिला? नहीं सर, अभी तक कोई भी मानदेय नहीं मिला है। क्या आपको कहा जाता है मानदेय जब आप लोग मांगने जाते हैं? सर अभी तो ये मतलब हमारा एक फर्स्ट मंच है, इसके बाद में देखा जाएगा क्या कहेंगे या क्या नहीं कहेंगे, ये हमारी मांग के थ्रू हम कह रहे हैं। जिला अधिकारी से या अधिकारियों से आपने संपर्क किया क्या? उन्होंने कहा? वो कहते हैं कि अभी हमारे पास पीछे से कोई आदेश नहीं है, जब आदेश आएगा तभी तो हम देंगे। उन्होंने ये बोला कि जब हमारे पास पीछे से आदेश आएगा तभी तो हम कुछ देंगे, ये कह देते हैं और हमको मतलब कह देते हैं जाओ। ठीक है, अपनी बातें देने के लिए तो हम देते हैं, काम करने के लिए आदमी को जगह के लेके जाते हैं। कहाँ से हमारा खर्चा होगा? तो ऐसे फ्री में कब तक आप जाएंगे जगह? जब पैसा नहीं देते जुगाने क्यों जाते हैं कि चलो काम करने के लिए जाते हैं? छोड़ दे, जब वेतन नहीं देना है तो। ठीक है, पहले महावत कराया है, सैलरी देंगे जब आप पूरे मतलब पूरे एकत्रित हो जाएंगे तो हाँ आपको मान देंगे। अभी तक कोई मांग हमारी पूरी नहीं की। सर अभी कुशीनगर के डीएम जो है, नौगत जो डीएम आए हुए हैं, वो पहली तारीख को आपदा मित्रों को बुलाए हुए हैं कुशीनगर में। सबको पहली तारीख को आपदा मित्र को सबको बुलाने का काम। अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जी, केंद्रीय मंत्रालय से आपका हुआ था, आप लोग उसमें गए थे? नहीं सर, उसमें अभी नहीं गए थे सर, हम उसमें कोई नहीं मिला चाहते हैं हम लोग का वो ट्रेनिंग दिलवाया गया। सर देखिए, आपदा आपदा मदद पहुंचाने वालों को तैयार हो रही 6,500 लोगों की आपदा मित्र फोर्स, 4,000 को दी जा चुकी है ट्रेनिंग। बिहार सरकार ने 400 रुपया ट्रेनिंग के दौरान एक मिड डे मील कर्मी की जल करके मौत हो गई। कितना दिया सरकार ने उसको? आशा कर्मियों की मौत की संख्या साल भर में 1200 है। कितना दिया सरकार ने? 1 रुपया नहीं दिया किसी को। सब काम के दौरान मर गई, ये नौजवान मर गया। शहादत की बात तो छोड़ दीजिए, सही बच्चा की बात छोड़ दीजिए, इसके बच्चों को कोई पूछ नहीं गया बोल के। तो सरकार बात बहुत करती है, सरकार ने कहा था 5 लाख रुपए का बीमा गारंटी करते हैं, लेकिन वो 5 लाख के बीमा का जो गारंटी था वो कहाँ है? सरकार ने कहा था कि इनको 6,000 रुपए मानदेय देंगे, वो कहाँ है? सरकार ने कहा था कि इनको हम पूरा ट्रेनिंग देंगे और जो आपदा से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का सारा किट देंगे, वो क्या है? किट के नाम पर यही सब दे दिया आपने, पकड़ा दिया इनको, एक चार से आपने दे दिया कि रात में जाके सब पकड़ लिया। तो सरकार इनकी जिंदगी के साथ खेल रही है, नौजवान लोग हैं, इनके पास अभी पूरा जीवन है और ये अपने उस जीवन की शुरुआत के लिए आए हैं।